ओके सो गाइस, इस वाले रील्स में मिलियंस ऑफ लाइक्स हैं एंड काफ़ी सारे लोगों का डिमांड था कि भाई यार आप इस पर भी एक ट्यूटोरियल वीडियो बना दो कि इस टाइप का जो वीडियो है कैसे हम बना सकते हैं। बट उससे पहले हम जानते हैं कि इस तरह का कार वाला वीडियो क्लिप हमें कहाँ मिलेगा, तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा यूट्यूब में गाइस। और यूट्यूब में आके आपको यहाँ पर सर्च करना है कार ट्विस्टर, यहाँ पर सर्च करना कार ट्विस्टर, तो यहाँ पर आपको बहुत सारे वीडियो क्लिप्स मिल जाएंगे। तो सिंपली यहाँ से डाउनलोड करना और अपने गैलरी में सेव कर लेना। ओके, उसके बाद आपको पूरा बैक आना गाइस। और अभी आपको चलना है कैपकट एप्लीकेशन में, तो सिंपली यहाँ पे कैपकट एप्लीकेशन को ओपन करना। उसके बाद आप इस वाले वीडियो क्लिप को गैलरी से ऐड कर लेना गाइस। एंड ये जो वीडियो क्लिप है मैं आपको दे दूंगा इसका लिंक, और इसका जो वीडियो क्लिप है आपको मैं टेलीग्राम ग्रुप में भी दे दूंगा। तो जाके और सिंपली इस वाले वीडियो क्लिप को डाउनलोड करना और कैपकट एप्लीकेशन में ऐड कर लेना। ओके, उसके बाद आपको पे क्लिक करना इस वाले वीडियो क्लिप में गाइस, और नीचे आप स्क्रॉल करना। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करना स्ट्रेक्ट ऑडियो में, यहाँ पे क्लिक करना तो आपका जो ऑडियो यहाँ पे निकल के आ जाएगा। उसके बाद वीडियो में आके और 11.2 सेकंड में, जैसे कि यहाँ पे आके और जहाँ पे भी बीच में ट्रांजिशन होता चेंज होता है वहाँ पे आके और इसको स्प्लिट कर देना। ओके, कट कर देना और देखना कि ये 11.2 सेकंड है कि नहीं है। मतलब देख सकते हो कि यहाँ पे 11.2 सेकंड तक हमारा वीडियो क्लिप है स्टार्टिंग वाला। उसके बाद आगे वाला पार्ट यहाँ पे क्लिक करके इसको डिलीट कर देना। ओके, यहाँ पे क्लिक करना और यहाँ से इसको हटा देना। उसके बाद आपका पे क्लिक करना गाइज प्लस में, और गैलरी से अभी जो आप वीडियो क्लिप डाउनलोड किए थे क्रोम सॉरी यूट्यूब से, उसको यहाँ पे आप ऐड करना कार वाला को। ओके, उसके बाद गाइज इस वाले वीडियो क्लिप से आपको टोटल आपको 3 वीडियो क्लिप निकालना, मतलब कि वीडियो तो बहुत लंबा है बट कट कट करके आपको जो भी बेस्ट पार्ट लगे उस वाले पार्ट को यहाँ पे ऐड करना कट करके। तो कट कैसे करना, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देखो, जैसे कि ये जो पार्ट है हमारा, ये वाला पार्ट, ये धुआं वाला पार्ट, इसको हम यहाँ पे रख सकते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करना और दोनों फिंगर से पहले जूम कर लेना। तो कुछ इस तरह से आप इस वाले पार्ट को यहाँ पे कट करना। तो यहाँ पे आके और इसको आप यहाँ से स्प्लिट कर देना, और फिर आगे वाला पार्ट को जैसे कि यहाँ तक है हमारा, यहाँ तक है, तो यहाँ तक करके फिर से इसको आप स्प्लिट कर देना। बाकी जो पार्ट है इसको आप हटा देना क्लिक करके, इसको आप डिलीट कर देना, या फिर आपको देखना कि इसके आगे अगर कोई भी ऐसा पार्ट हो जो कि रखने लायक हो तो रखना। मतलब आपको टोटल यहाँ पे 3 वीडियो क्लिप निकालना ढूंढ के, आपको चाहे जैसा भी हो बट 3 वीडियो क्लिप निकालना ढूंढ के। और मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे कैसे वीडियो क्लिप आपको यहाँ पे रखना है। बट हाँ, उससे पहले आप इसका जो ऑडियो है मतलब कि वॉइस है, साउंड है, इसको आप 0 कर देना, इसको भी और इसको भी 0 कर देना। उसके बाद आपको ढूंढना है यहाँ पे, ओके सो भाई साहब मैंने यहाँ पे 3 वीडियो क्लिप यहाँ पे कट करके ऐड कर दिया गया, जिससे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो 1, 2, 3। एंड हाँ, फर्स्ट में इस वाले को रखना, मतलब जो लगे फुल कार में जो इमेज हो उसको रखना। एंड सेकंड में रखना एग्जॉस्ट वाला को, मतलब कि हॉर्न वाला को। एंड थर्ड में कोई सभी आप रेंडमली आपको जो भी पसंद आता है बेस्ट पार्ट उसको आप रख सकते हो। बाकी यहाँ पे तीनों जो वीडियो क्लिप है सबका लेंथ अलग अलग है, ऐसे आप रेंडमली मत रख देना। जैसे कि हमारा फर्स्ट जो वीडियो क्लिप है इसका लेंथ है 1.6 सेकंड, फिर सेकंड वाले का लेंथ है 1.3 सेकंड, एंड थर्ड वाले का 1.4 सेकंड। तो इस तरह से आप करके बाकी आपको यहाँ पे क्लिक करना फर्स्ट वाले वीडियो क्लिप में गाइज। ओके, इसमें क्लिक करना, उसके बाद क्लिक करना एनिमेशन में एंड क्लिक करना इन में। उसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना फर्स्ट वाले इफेक्ट में गाइज, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा टर्बुलेंस का, इसमें क्लिक करना। बाकी इसका जो लेंथ है नीचे आप 0.3 सेकंड तक रख सकते हो, इतना करके सिंपली इसको आप डन कर देना। ओके, उसके बाद आप चाहो तो अगले वाले वीडियो क्लिप में भी आप सेम इफेक्ट ऐड कर सकते हो। यहाँ पे क्लिक करना, फिर से क्लिक करना एनिमेशन में एंड इन में ही आके उसके बाद क्लिक करना टर्बुलेंस में गाइज, और इसका जो लेंथ है 0.2 सेकंड करके सिंपली इसको आप डन कर देना। बाकी आप आगे बढ़ना और जो लास्ट वाला वीडियो क्लिप है इसमें भी क्लिक करके सेम इफेक्ट ऐड कर देना टर्बुलेंस वाला ही, बाकी लेंथ अपने हिसाब से रख सकते हो। ओके, बाकी इसके इतना कुछ करने के बाद गाइज आप चलते हैं और इफेक्ट ऐड करते हैं। एंड गाइज आप लोगों से एक जरूर बात करना था कि अगर आपको इस तरह से वीडियो और चाहिए, मतलब कि कार वाला, तो मैं इसका प्लेलिस्ट बना दूंगा और इस टाइप के जितने भी वीडियो आएंगे मैं आपको उसी वाले प्लेलिस्ट में दे दूंगा। मतलब कि इस तरह के वीडियो और चाहिए तो कमेंट कर देना। ओके, उसके बाद गाइज अभी आपको आ जाना है और यहाँ पे क्लिक करना इफेक्ट में, उसके बाद क्लिक करना वीडियो इफेक्ट्स में गाइज,
और ये कैपकार्ट का न्यू वर्जन है ओके। तो आप न्यू वर्जन को डाउनलोड करना, उसके बाद आपका यहाँ पे आना है ओपनिंग एंड क्लोजिंग वाला ऑप्शन में। उसके बाद आप नीचे स्क्रॉल करना गाइस नीचे, एंड आपका पे क्लिक करना लो एक्सपोजर में, इसमें क्लिक करना, बाकी इसको आप डन कर देना ओके। बाकी इसको आप कम करके और इतना रखना, इतना करके उसके बाद इसको आप कॉपी कर देना गाइस, और कॉपी करके आप आगे बढ़ा देना हल्का सा आगे, और क्लिप के लास्ट वाले पार्ट में रख देना इसमें इतना सा करके ओके। उसके बाद फिर से क्लिक करना और इसको कॉपी करके अगले वाले पार्ट के लास्ट वाले पार्ट में रख देना। जैसे कि देखो स्टार्टिंग हमारा यहाँ तक है और ये जो इफेक्ट है हमारा यहाँ से लगेगा। आप चाहो तो इसको आप हल्का सा बढ़ा भी सकते हो आगे तरफ। ओके सो इतना कुछ करने के बाद आपको फिर से क्लिक करना है वीडियो इफेक्ट्स में गाइज ओके। उसके बाद आपको ऊपर में स्क्रॉल करना है एंड क्लिक करना नाइट क्लब में। और हाँ मैंने आपको फिर से बता दे रहा हूँ आपको कि ये जो है कैपकट का न्यू वर्जन है, तो आप न्यू वर्जन डाउनलोड करना 7.8 समथिंग कुछ है। उसके बाद गाइज आपको नीचे स्क्रॉल करना है एंड क्लिक करना स्ट्रॉब में, इसमें क्लिक करना, बाकी इसका लेंथ आप पूरा फुल स्पीड करके इसको आप डन कर देना ओके। एंड इसको आप पूरा इन तक, स्टार्टिंग से लेके इन तक रखना इसको। स्टार्टिंग हमारा यहाँ पे है, अरे भाई साहब यहाँ पे है, तो यहाँ से लेके हमारा यहाँ तक रहेगा। बाकी गाइज हमारा जो वीडियो क्लिप है मतलब दिल से बन के रेडी हो चुका है, मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसा बना ओके। आप लोग यहाँ पे देखो, बाकी साउंड को मैंने यहाँ पे म्यूट कर दिया, लेकिन भाई परफेक्ट बना है, बहुत ही मस्त बना है। एंड मेन बात यह कि बहुत ही ईजी है, बहुत ही सिंपल है, तो इस तरह से बनाऊँ गाइज। बाकी जो भी वीडियो क्लिप का लेंथ है उसके हिसाब से सेट करना। सो इस तरह से अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ यार एक लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब भी कर देना। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो।